तो हेलो गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल। तो गाइस, आज का बहुत ही फीलिंग वाला लेके आया हूँ। तो कल का मैच देखते हुए मैं बहुत ही अफसोस आ रहा था, पर पूरा मैच देखने के बाद फिर खुशी आ गई। क्यों, आप लोग तो जानबे करते हैं, न बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे को तो ये टेंशन हो गया, तो साला 0-0 में 3 विकेट कैसे चलाएगा, और मेरा ड्रीम 11 भी चलाइए। शेष अय्यर, दूसरा रोहित शर्मा, ईशान किशन, तीनों मेरा अच्छा ड्रीम 11 के लिए बना हुआ टीम था, तीनों चला गया। फिर सोच में फिर विराट कोहली का लास्ट 20 रन पे कैच छूट गया, बहुत ही ज़बरदस्त दुख हुआ। पर कैच छूटा तो मैच छूटा, ऐसी ही हाल हो गया। तो के राहुल का मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त किया भाई के राहुल और विराट कोहली, पूरा मैच को निकाल के ले दिया। यही सब टीम में दिखाया जाता है कि कैसे मैच कैसे करना, क्या चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब। पहले हम लोग देखा, हम सोचा गया इंडिया काम से, लेकिन फिर जब दोनों टिक गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया का धज्जिया उड़ा दिया। ऐसा खेला भाई, मत पूछो भाई, फीलिंग आता है ऐसा, ना क्या बताएं। कभी दुखी आता है, कभी खुशी आता है, क्योंकि 3 विकेट ना, 2 रन पे 3 विकेट था, 2 विकेट। फिर लास्ट में 20 रन पर कोहली का कैच छोड़ दिया, वो भी कैच पकड़ा जाता, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा बीच में था ना, थोड़ा दूर था और थोड़ा सा नज़दीक में। अगर वही बीच में रहता, थोड़ा आदमी सता हुआ रहता, वो दूसरा क्या कैरिश लेता, कैच तो पकड़ा जाता। पर क्या करें, इंडिया का साथ था ना, विराट कोहली का साथ होता है। उसके बाद फिर तो मौका ही नहीं दिया कभी, और फिर लास्ट में जब सेंचुरी मारने का टाइम आया तो लास्ट में अलग ही कैच पकड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, मैच लेके चला गया था, बाद में आके 6-4 लगा के जीती है इंडिया। बहुत ही अच्छा लगा मैच देखने में। थोड़ा देर तो मैं तो मैच बंद कर ही दिया, क्योंकि मालूम कैसा था, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा देख के लग रहा, जैसे बॉल उसको लोग का घूम रहा था ना, देखने में बेजोड़ लग रहा था, जैसे फेंक रहा था बॉल। जब 3 विकेट चल गया तो साला ऐसे उड़ा रहा था, मैं सोचा जैसे श्रीलंका में नहीं हो गया वैसे तो नहीं हो जाएगा इंडिया। फिर आके विराट कोहली और के राहुल, सबसे मैं मानता हूँ ज़्यादा करके के राहुल का, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया विराट कोहली के साथ, बहुत ही मस्त खेला था कल। ऐसे ही इंडिया खेलेगा तो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा गाइस, और क्या बताएं। बहुत ही अच्छा खेला था, बहुत ही अच्छा लगा देखने के लिए, बहुत ही इंटरेस्ट आया मैच देखने के लिए, बहुत ही लास्ट में देखा, बहुत ही इंटरेस्ट आ गया। जब मैं 100 रन पार कर दिया, मैं सोचा ये लोग दोनों ले कर चला जाएगा मैच को, कोई नहीं, विराट कोहली का बात नहीं है, के राहुल सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, और नो डाउट रहा है। अब देखो क्या होता है, बहुत ही मैं सोचा ये मैच गया इंडिया से, जब 3 विकेट गए। जैसे एक बार 2019 में ऐसा हो गया था कि 3 विकेट ऐसे ही चला गया था 5 रन पर, और आज जो कल गया था वो 2 रन पर 3 विकेट चला गया था। फिर देखो ऐसे, खैर अगला बार तो साथ नहीं दिया धोनी का, नहीं तो वो भी मैच निकाल के ले जाता, पर इस बार कोहली का साथ दे दिया, इसके वजह से निकाल के चला गया मैं। अगर 1 विकेट चला जाता ना, पक्का इंडिया हार जाता, 1 विकेट चला जाता। उसके बाद उसके पास नहीं है ना, ये सब मारने वाला आएगा, इसे मारने के चक्कर में चला जाता। फिर भी अच्छा है, अच्छा पार्टनरशिप करके अच्छा मस्त से बहुत ही अच्छा किया, और क्या बताएं। चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना, और क्या बताएं गाइस, आज का फीलिंग इतना ही इंडिया के लिए। तो अगला बार और ही अच्छा अच्छा वीडियो आते रहेगा, और कल का मैच देख के तो इसीलिए मैं अपना फीलिंग बताने के लिए ये वीडियो बना दिया। और आप लोग अगर सपोर्ट करो, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा क्या बोलूं गाइस, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो माय ब्लॉग चैनल को। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।